जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है और जॉब लोकेशन क्या होती है, मतलब काम क्या करता है, साथ ही साथ इसको सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं और इनकी जॉब लोकेशन क्या होती है, इनको काम कहाँ, इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, इस तरीके से जो आप भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा उन सभी को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। साथ ही साथ प्यारे साथियों बता दूँ मैं आपको, अक्टूबर में भारतीय डाक विभाग से लगभग 98,000 पदों पर बम्पर भर्ती आने वाली है, जिसमें पोस्टमैन के लगभग 25,000 से 30,000 पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत स्पेशल महीना हो सकता है यदि आप इंडियन पोस्ट ऑफिस से निकलने वाली भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यदि आप इस भर्ती से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ, देखो जो पोस्टमैन होता है वो सबसे मेनली काम क्या करता है, आपके घर तक कोई भी, सपोज डेट आपके कोई पोस्ट आया, ठीक है, तो उस पोस्ट को आपके घर तक दे के जाने का काम कौन करता है, वो करता है पोस्टमैन। ठीक है, आपके कोई कोरियर है, आपने किसी को कोई कोरियर भेजा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपने कोई कोरियर किया, तो उस कोरियर को पोस्ट ऑफिस से आपके घर तक पहुँचाने का काम कौन करता है, पोस्टमैन करता है। ठीक है, तो पोस्टमैन का सबसे मेन काम क्या होगा, पोस्ट ऑफिस से कोरियर वगैरह को घर तक या फिक्स एड्रेस तक पहुंचाने का। ठीक है, अब इसकी जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, देखो पोस्टमैन में एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसकी जो जॉब लोकेशन है वो आपके आसपास के एरिया में होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग बहुत दूर नहीं होगी, चलो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हो गई, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 किलोमीटर दूर होगी आपके घर से, हो सकता है आपके खुद के गाँव में ही आपकी पोस्टिंग हो जाए। ठीक है, तो ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर ये एक सैलरी स्लिप है और इस सैलरी स्लिप के बेसिस पर मैं आपके सारे डाउट, सारी चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो सैलरी स्लिप है ना, ये बहुत पुरानी है, लगभग 6 साल पुरानी है, ये कैंडिडेट हैं जो 6 साल पहले लग गए थे जॉब में और उसके बाद की, अब फिलहाल की इनकी ये सैलरी स्लिप है, जो इनको मार्च 2022 में सैलरी मिली थी उसकी सैलरी स्लिप है, लेकिन ये भाई साहब हैं जो 6 साल पहले पोस्ट ऑफिस में लगे थे। ठीक है, तो इनका DA बेसिक सैलरी ये बहुत सारा बढ़ चुका है, तो इनके बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से अलाउंसेज मिल रहे हैं ये हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ से पता चल चुके हैं, तो इसके बेस पर हम बात करने वाले हैं कि यदि अब आप अक्टूबर में जो पोस्टमैन की वैकेंसी आएगी उसमें आप लग जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एक न्यू कैंडिडेट को पोस्टमैन के रूप में लगने पर कितनी सैलरी मिलते हैं, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बातें करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं। देखो, इनकी जो बेसिक सैलरी होती है ना वो होती है 21,700 रुपये, 21,700 रुपये इनकी बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, अब हम DA की बात करें तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग DA मिलता है, फिलहाल में DA 34% है जो कि बेसिक सैलरी का मिलेगा, तो 21,700 का इनको 34% DA मिलेगा, 7,378 रुपये। इनको TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3600 रुपये का, तो 3600 रुपये का इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा इनको एक अलाउंस और मिलता है DA ऑन TPA, तो DA ऑन TPA क्या मिलता है, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका 34% मिलता है। ठीक है, तो 1,224 रुपये इनको DA ऑन TPA मिलेगा। उसके बाद में हम यदि बात करें HRA के बारे में, तो HRA वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 9%, 18% और 27% के स्लैब में मिलता है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 9% के अकॉर्डिंग, भाई मिनिमम इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी किसी हाल में, आपको 18% स्लैब में सैलरी और ज़्यादा हो जाएगी, 27% वाले स्लैब में और ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ पर बात करें उस सिचुएशन में जब आपको HRA ओनली 9% मिल रहा है, तो ये जो HRA होता है ना वो भी आपको बेसिक पे का मिलता है, बेसिक सैलरी का मिलता है, तो 21,700 का 9% मिलेगा आपको 1,953 रुपये। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ प्यारे साथियों, देखो आपकी बेसिक सैलरी पहले महीने की बेसिक सैलरी रहेगी 21,700 रुपये, DA मिलेगा आपको 34% जो कि 7,378 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको 3600 रुपये, बिल्कुल फिक्स है,
डीए और टीपीए एक अलाउंस है जो कि टीए का 34% मिलता है 1224 रुपये, एचआरए 9% 18% और 27% के स्लैब के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यहाँ पर हम 9% के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको 1953 रुपये का एचआरए मिलेगा। तो इन सभी को जोड़कर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 35,855 रुपये। ये क्या होगी? आपकी ग्रोस सैलरी होगी। क्या होगी? ग्रोस सैलरी होगी कितनी? 35,855 रुपये। अब इसमें आपके कुछ डिडक्शन होंगे, कुछ कटौतियां होंगी। देखो 2907 रुपये का आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस कैसे क्या करता है? देखो प्यारे साथियों, आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक पे प्लस आपका डीए, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। बेसिक पे और डीए को जोड़कर इसका 10% निकाल लो और जो वैल्यू आएगी ना वो होगा एनपीएस का मान, ठीक है। तो एनपीएस 10% करता है बेसिक सैलरी और डीए का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों कट रहा है? देखो प्यारे साथियों, ये कट नहीं रहा है। ये क्या होता है कि जब आप जॉब में लगोगे, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम आपका एक एनपीएस अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। और महीने के महीने जो भी आपका एनपीएस बनेगा वो आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जितना आपका एनपीएस कटेगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो भी ब्याज दर है, बैंक की जो ब्याज रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब आपको वो सारी की सारी रकम विद इंटरेस्ट एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो एनपीएस कटने पर बहुत अच्छा फायदा है, जितना एनपीएस आपका कटेगा उतना ही गवर्नमेंट आप खुद की तरफ से मिलाएगी और एक तरीके से डबल एनपीएस आपके अकाउंट में जुड़ता जाएगा। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो ये विद इंटरेस्ट विद ब्याज आपको वापस मिल जाएगा एक साथ। इसके अलावा ये दो कटते हैं आपके क्या हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड है। एक होता है CGEGIS जो कि 30 रुपये कटेगा, एक CGHS जो कि 250 रुपये कटेगा। तो ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड दो डिडक्शन होते हैं, एक 30 रुपये का, एक 250 रुपये का, टोटल हम 280 रुपये का बोल सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो आप और आपकी फैमिली में यदि कोई भी बीमार होता है तो उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में बिल्कुल चार्ज क्या होगा, उनका इलाज होगा। अब इसके अलावा आपका टैक्स कटेगा, टैक्स कटेगा आपका 200 रुपये का। टैक्स आपको पता होगा किस तरीके से करता है, गवर्नमेंट स्लैब बना रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कटेगा। तो यहाँ पर आपका 200 रुपये का टैक्स कटेगा। एक यूनियन नाम से भी आपका डिडक्शन होगा 60 रुपये का। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन कितना हो गए? 3447 रुपये का, 3447 रुपये आपके डिडक्ट होंगे महीने के महीने, ठीक है। तो आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी जो आपके अकाउंट में हर मंथ ट्रांसफ़र होगी? तो जो आपकी ग्रोस सैलरी है 35,455 रुपये, 35,455 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी है, उसमें से यदि हम इस कटौती को कम कर देते हैं तो वो बनेगी आपकी नेट सैलरी 32,408 रुपये, जो महीने के महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। तो यदि आप पोस्टमैन बनोगे तो पहले महीने की आपकी सैलरी होगी 32,408 रुपये, जो कि आपको लगातार 12 महीने तक केवल 32,408 रुपये मिलेंगे। सैलरी में आपके इंक्रीजमेंट दो तरीके से होंगे, एक तो आपका जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक पे है, वो हर साल 3% बढ़ेगा, ठीक है। अगले साल ये इतना ही नहीं रहेगा, इसका 103% निकाल लेना, ठीक है, जो वैल्यू रहेगी वो। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, ये वाला जो अमाउंट है वो हर साल 3% बढ़ता रहेगा। आपका जो डीए बढ़ाना सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक साल में डीए दो बार बढ़ता है तो वो 3-4% तक बढ़ जाता है। तो हर साल आपका डीए 3-4% बढ़ेगा। जैसे फिलहाल में 34% मिल रहा है, फिर आपको 38% मिलेगा, फिर आपको 42% मिलेगा, फिर आपको 46% मिलेगा, इस तरीके से आपका डीए बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही एचआरए भी बढ़ेगा, पहले 8-16-24% का स्लैब था, अब 9-18-27% का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं जिनकी से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका प्रमोशन भी होगा और प्रमोशन होते ही फिर आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थी पोस्टमैन की सैलरी, पोस्टमैन के अलाउंस और पोस्टमैन से डिडक्शन। तो ये था सारा सारा सीन, आपके अंदर एक एनर्जी आई होगी कि घर बैठे भाई आपको अपने गांव में काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको अपने गांव में काम करके कितना अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा पहले महीने में? 32,408 रुपये, ठीक है, पहले महीने की सैलरी रहेगी, फिर ये बढ़ती जाएगी ऑलवेज। अच्छा सम्मान मिलेगा, गांव के गांव में रहकर काम करने का मौका मिलेगा और एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी,
ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। यदि आप इस वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।